हेलो एवरीवन सो हम डिस्कस कर रहे थे वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक और आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोटेंशियल सॉरी वाटर पोटेंशियल हमने ओस्मोटिक प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस ये सारे के सारी चीजें डिस्कस करी अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनल टॉपिक वाटर रिलेशन का और ये है वाटर पोटेंशियल सिंपल समझिए पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत पावर तो वाटर की पावर का मतलब क्या है वाटर की पावर का मतलब होता है कि किसी सिस्टम में कितने H2O के फ्री मोलिक्यूल्स हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मूवमेंट करने के लिए अवेलेबल होते हैं उसी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं वाटर पोटेंशियल बहुत सिंपल है ना जैसे लेट सपोज कि मैं आपको ये कहूं कि एक बीकर है मान लीजिए कि ये एक बीकर है ठीक है अब इस बीकर के अंदर हमने प्योर वाटर लिया अब सेल में तो कभी प्योर वाटर होगा नहीं तो एक बार मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं कि ये प्योर वॉटर है ठीक है अब इस प्योर वॉटर के अंदर हमने जितने भी यहां डॉट्स बनाए हैं मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ये सारे के सारे मोलिक्यूल्स अवेलेबल है फ्री है तो इस वॉटर की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है यानी कि मैक्सिमम है ये तो हो गई एक बात हमारे पास में वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगी जब वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे अल्टीमेटली आप दिमाग में ये रखो कि सारी की सारी कहानी फ्री एच टू ओ मोलिक्यूल्स की है वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स फ्री होंगे वो या तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या वो मूवमेंट करेंगे उसी को बोल रहे हैं पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल अब इसको डिफाइन करने के तरीके अलग अलग हैं जैसे प्री एच टू मोलिक्यूल्स जो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ वॉटर केमिकल पोटेंशियल ऑफ वॉटर इसी को बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ वॉटर इसी को बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर फ्री एनर्जी ऑफ वॉटर इसी को आप रफली बोल दीजिए वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल एक ही बात है बट समझने का तरीका अलग है डेफिनेशन अलग अलग है तो वाटर पोटेंशियल का अल्टीमेटली आप अपने दिमाग में ये डेफिनेशन रखिए कि किसी सिस्टम के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं वो उसका पोटेंशियल है अब लेट सपोज कि हम यहाँ एक काम करते हैं क्या करते हैं यहां पे हम कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं लेट सपोज ऐसे मैंने सोल्यूट के मोलिक्यूल एड कर दिए जैसे ही सोल्यूट के मोलिक्यूल एड किए ये वॉटर के मोलिक्यूल्स अब फ्री नहीं है ठीक है तो वॉटर की पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाएगी कितनी कम हुई ये मॉलिक्यूल कम हुआ ये कम हुआ ये 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 और जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं वो वाले मोलिक्यूल्स वाटर के कम हो गए तो जब कभी भी सोल्यूट ऐड करते हैं सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट क्या करता है वाटर की पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है ये सोल्यूट का पोटेंशियल है इसीलिए इट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव वाटर की क्या पोटेंशियल है वाटर की ताकत क्या है वाटर के फ्री मोलिक्यूल सोल्यूट की ताकत क्या है कि वो कितने वॉटर मॉलिक्यूल फ्री को कम कर सकता है तो ये हुआ हमारे पास में एक वॉटर पोटेंशियल को समझने का आइडिया अब मैं आपको डेफिनेशन वगैरह बता देता हूं लिख लीजिए आप लिखिए द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विथ वॉटर द फ्री एनर्जी एसोसिएटेड विथ वॉटर ज नोन एज वॉटर पोटेंशियल इज नॉन एज वॉटर पोटेंशियल नेक्स्ट पॉइंट इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर विच आर फ्री इन दिस्टम वापस से फ्री वॉटर मोलिक्यूल आगे विच आर फ्री इन द सिस्टम तीसरा लिखिए water potential is defined as water potential is defined as chemical potential of water chemical potential of water next point water potential is measured by psychrometer अगर आप कोई पीएससी लेवल की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह वाला इंपॉर्टेंट है साइक्रोमीटर वाटर पोटेंशियल किससे नापते हैं साइक्रोमीटर से नापते हैं यह इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज बार मेगापास्कल और एटमोस्फियर यूजुअली हम यूनिट्स के अंदर बताते हैं कि कितना वॉटर का पोटेंशियल है तो ये हो गया हमारे पास में यूनिट के बारे में ये तो हो गई जनरल इंट्रोडक्शन टाइप की बात अब एक चीज बताता हूं आपको वॉटर पोटेंशियल चार कंपोनेंट से मिलकर बनता है एक होता है मैट्रिक्स पोटेंशियल इंबाइबिशन प्रेशर एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक होता है प्रेशर पोटेंशियल एक होता है सोल्यूट पोटेंशियल जब सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे तो वो माइनस में लिखेंगे अभी तो अपन ने सोल्यूट पोटेंशियल को ऐड किया है ये है हमारे पास में वाटर की पोटेंशियल के चार कंपोनेंट लिखिए आप एक लाइन वाटर पोटेंशियल हैज फोर कंपोनेंट्स फोर कॉम्पोनेंट्स वोटर पोटेंशियल हैज फोर कॉम्पोनेंट्स ये चार लिख लीजिए आप नेक्स्ट अब अपन एक काम करते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मैट्रिक्स पोटेंशियल साइएम मैट्रिक्स पोटेंशियल साई एम मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या है साइए क्या है चलिए डिस्कस करते हैं जब कभी भी कोई भी इम्बाइबेंट वाटर के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करता है तो उसकी सरफेस बाहर की तरफ फूल जाती है स्वेलिंग आ जाती है वुडन डोर्स वुडन विंडोज हमने बात करी थी बाहर की तरफ स्वेलिंग आ जाती है सो so, ये एक्सपांडिंग सरफेस एक प्रेशर एक्सर्ट करती है अपने बाहर की सराउंडिंग पे उस प्रेशर को कहते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल बात करी हुई अपनी है बात यह आती है कि क्या ये मैट्रिक्स पोटेंशियल एक प्लांट की बॉडी के अंदर अप्लाई किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा हमने एक और चीज सीखी थी मैट्रिक्स पोटेंशियल में कि पुराने समय में बड़ी बड़ी चट्टानों को कैसे तोड़ा जाता था बड़े बड़े जो रॉक्स होते थे उनमें एक क्रैक बनाकर उसमें लकड़ी फसा दी जाती थी फिर पानी डाला जाता था देन उसके बाद में वो लकड़ी जब स्वेलअप होती थी तो क्रैक बढ़ जाता था आप एक चीज सोचिए जिस मैट्रिक्स पोटेंशियल के अंदर एक बड़ी चट्टान को तोड़ने की ताकत है तो वो छोटी छोटी सेल्स को क्यों नहीं तोड़ सकता तोड़ सकता है ना बिल्कुल से मैं आपको एक चीज समझाता हूं मान लीजिए कि ये प्लांट की बॉडी के अंदर की बात है और ये प्लांट की बॉडी की सेल्स है जो इस तरीके से अरेन्ज है एक सेल के आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ दूसरी सेल्स होती हैं ये ऐसे सेल्स का सिस्टम बना हुआ है ये प्लांट की बॉडी की सेल्स है ठीक है राइट मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर सेल की लेट से इस सेल की हमें इस पर्टिकुलर सेल के अंदर इम्बाइबेशन प्रेशर की बात करनी है अगर ये सेल की सरफेस वाटर को एडजोब करेगी तो वो या तो इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी या इस डायरेक्शन में लगाएगी या इसमें लगाएगी या इसमें लगाएगी या इस क्योंकि वाटर तो एक डायरेक्शन से आएगा ना ऐसे कोई बाहर थोड़ी निकाला हमने सेल को कि चारों तरफ से वाटर आएगा बॉडी के अंदर तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो जिस डायरेक्शन में वाटर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा अब सोचो जिस मैट्रिक्स पोटेंशियल इम्बाइबिशन प्रेशर से बड़ी चट्टान टूट सकती थी उस प्रेशर से तो ये सेल भी टूट जाएगी और सेल टूट जाएगी तो प्लांट की डेथ हो जाएगी प्लांट अंदर से फट जाएगा पर ऐसा होता है क्या नहीं होता ना रीजन रीजन इसके पीछे का ये है कि एक लिविंग सेल के लिविंग uh, प्लांट की बॉडी के अंदर एक सेल के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वे सारी सेल्स उस सेल के इम्बाइबिशन प्रेशर को रोकती है उसके इफेक्ट को नलिफाई कर देती है इसीलिए इम्बाइबिशन प्रेशर लिविंग प्लांट की बॉडी में ऑलवेज नेग्लिजिबल हो जाता है आप सोचो यदि एक प्रेशर से बड़े पत्थर की चट्टान टूट सकती है तो उस प्रेशर से सॉफ्ट सेल तो टूट ही सकती है बट ऐसा तो नहीं होता रीजन क्या है रीजन यही है कि बॉडी के अंदर इस प्रेशर को जीरो रखा जाता है इसलिए वाटर पोटेंशियल के चार कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को जीरो कर लिया अपन ने एक कम हो गया ना अब पीछे बचे तीन लिखिए कुछ देखिए मैट्रिक्स पोटेंशियल इज द इम्बाइबिशन प्रेशर matrix potential is the imbibition pressure next in the living plant in the living plant in cell to cell system in the living plant in cell to cell system the value of matrix potential the value of matrix potential is taken as zero. Is taken as zero. Is taken as zero because the surrounding cells, the surrounding cells oppose the matrix potential of a particular cell. So surrounding cell will oppose. So so. इक्वेशन लिख लीजिए लिखिए सो फिर इक्वेशन लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल तो हमारी इक्वेशन एक बार अब छोटी हो गई है थोड़ी और यह छोटी होकर के कितनी सी बन गई है ये ऐसे बन गई है ये इक्वेशन अब इतनी सी बन गई है क्लियर? अब बात करते हैं अपन दूसरे कंपोनेंट की दूसरा कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है ग्रेविटी के कारण जो वाटर नीचे की तरफ आता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बात है ग्रेविटी पानी को ऊपर चढ़ाने में क्यों हेल्प करेगी ग्रेविटी तो पानी को नीचे खींचेगी ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ये बात है अपनी काम की पर अब वही बात है अगर ग्रेविटी पानी को नीचे खींच लेगी तो बेचारे प्लांट्स को पानी मिलेगा कैसे नहीं मिल पाएगा ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे काम करता है इसको भी कैसे जीरो किया जाता है वो हम समझते हैं तो प्लांट की बॉडी में लेट सपोज कि ये है एक लीफ ठीक है और प्लांट की बॉडी के अंदर ये जाइलम ट्रैकिड एंड वेजल्स का नेटवर्क है एक बार ऐसे ही मान लीजिए आप और ये सॉइल है सौयल है देखो जब वाटर का एब्जॉर्बशन होता है तो एक तो पॉजिटिव रूट प्रेशर लगता है जिससे वाटर अंदर तो आता है पर ग्रेविटी के कारण वह और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ पाता ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगी भाई तो होता क्या है लीफ की सरफेस से ट्रांसपीरेशन पुल काम करता है ट्रांसपीरेशन पुल काम करता है ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है जितना ग्रेविटी नीचे खींच रही है ऑलमोस्ट उतना या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा प्रेशर से पानी को ऊपर खींचती है एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन एक मान लीजिए कि बड़ी सी बिल्डिंग है और इस बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे पानी का टैंक है ये पानी का टैंक है और हमने क्या किया इस पानी के टैंक से एक लंबा सा पाइप पानी के टैंक में डाल दिया ठीक है यदि हम पानी के टैंक में पाइप डाल देंगे अब देखना थोड़ा सा पानी तो इसमें चढ़ जाता है हल्का सा इतना उंगली के जितना छोटा सा पर वो वाटर ऊपर नहीं जा पाएगा तो अब एक काम करते हैं हम यहां पर सेटअप करते हैं एक मशीन का एक पंपिंग मशीन लगा लेते हैं हम ये पंप है मान लीजिए ये पंप पानी को ऊपर खींचेगा तो आराम से पानी आएगा अब क्या है कि ये मशीन में तो प्रेशर इतना ज्यादा जनरेट होगा कि वो ग्रेविटेशनल प्रेशर से भी ज्यादा है तो पानी ऊपर बहुत तेजी से आता है यदि हम किसी तरीके से ग्रेविटी जितना फोर्स लगा रही है उतना मशीन का प्रेशर कर इक्वल, तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा रुक जाएगा पाइप में पर थोड़ा भी ज्यादा होगा तो ऊपर चढ़ जाएगा प्लांट की बॉडी में ट्रांसफीरेशन पुल ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल कर देता है फिर पानी एक सेल से दूसरी सेल में अपने ग्रेडियंट के कारण चढ़ता है इसका मतलब तो यह हो गया कि प्लांट की बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आल्सो कैप्ट नेग्लिजिबल तो अब हमारे पास में तीन में से दो कंपोनेंट बचे वाटर पोटेंशियल में वही मेन होते हैं जैसे एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसका एक फॉर्मूला होता है रो डब्ल्यू जी एच रो डब्ल्यू जी एच में साइज क्या है वो तो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रो डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर की डेंसिटी जी क्या है जी है ग्रेविटेशनल फोर्स एच क्या है हाइट तो ये हो गया हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये भी जीरो रखा जाता है तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साईपी प्लस साई एस ये से बन जाएगी चलिए अब लिखिए कुछ लिखिए ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ प्लांट ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ प्लांट नेक्स्ट पॉइंट gravity causes water gravity causes water to move downward to move downward unless the force of gravity is opposed by unless the force of gravity is opposed by an equal and opposite transpirational pull force transpirational pull force नेक्स्ट ये लिख लीजिएगा ये सारी चीजें ये सारी ये लिखने के बाद में लिखिए इन द सेल टू सेल सिस्टम इन द सेल टू सेल सिस्टम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल साई जी इज कैप्ट जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल साइजी इज कैप्ट जीरो सो सो so, ये फॉर्मूला लिख लीजिए ठीक है चलिए अब अपन बात करते हैं पहले सोल्यूट पोटेंशियल की ये छोटा सा है पहले इसकी बात कर लेते हैं सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूट की ताकत मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर भी बोला था सोल्यूट की पोटेंशियल का मतलब क्या होता है एक नेगेटिव इंसान की पोटेंशियल क्या है वो दूसरों की एनर्जी को लो कर देता है सिमिलरली सोल्यूट पोटेंशियल क्या है सोल्यूट पोटेंशियल वॉटर के फ्री मोलिक्यूल को कम कर देता है तो वो सोल्यूट की पोटेंशियल है इट इज ऑलवेज नेगेटिव इसको आप ओस्मोटिक पोटेंशियल बोल सकते हो बट ओस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है ये जैसे मान लीजिए माइनस फाइव होगा तो ये प्लस में फाइव होगा बस ये डिफरेंस है बाकी होता सेम ही है वैल्यू जब लिखते हैं यूज करते हैं तो अपन इस तरीके से चेंज कर लेते हैं लिखिए अब इसके अंदर लिखो सोल्यूट पोटेंशियल साइएस रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ सोल्यूट्स रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ सोल्यूट्स ऑन द वॉटर पोटेंशियल Effect of solute on the water potential. Next, whenever solute is added, whenever solute is added into water, it decreases the concentration of free water molecules. It decreases the concentration of free water molecules. So, free water molecule concentration. डिक्रीज कर देता है नेक्स्ट सॉल्यूट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ वाटर बाय डाइल्यूटिंग द वाटर। वो वाटर को डाइल्यूट कर देता है मतलब वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम रहेंगे डाइल्यूटिंग द वाटर। अगर वाटर के सारे मॉलिक्यूल फ्री है तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है जैसे H2SO4 है अगर वो प्योर एस टू एसओ फोर है तो हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसको डाइल्यूट करने का क्या मतलब है उसके अंदर से एस टू एसओ फोर निकाल थोड़ी रहे हैं उसके अंदर पानी एड कर रहे हैं पानी क्या करेगा उसको डिसोशिएट करेगा तो फ्री एच टू एसओ फोर के मोलिक्यूल्स कम हो जाएंगे दैट इज द डाइल्यूशन तो ऐसे ही जब वॉटर के साथ में सोल्यूट एड करते हैं तो वॉटर के मोलिक्यूल्स के साथ सोल्यूट के मोलिक्यूल एड हो जाते हैं तो वॉटर के फ्री मोलिक्यूल कम हो जाते हैं एंड दैट इज द डायल्यूशन ऑफ वॉटर लिखिए आगे लिखिये साइएस इक्वल्स टू तो माइनस आर टी सी एस ये वॉन्ट हॉफ का फॉर्मूला है वॉन्ट हॉफ फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला में माइनस का मतलब क्या है माइनस का मतलब है कि वेनेवर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस वॉटर पोटेंशियल डिक्रीजेस जब कभी भी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वॉटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है इसमें आर इज ए गैस कॉन्सटेंट गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है एट पॉइंट थ्री टू जूल्स मोल इनवर्स ठीक है देन इसके बाद में टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या बच गया सी एस बच गया दैट इज सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है सो so, ये हुआ हमारे पास में किसका कि एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से प्रेशर पोटेंशियल की प्रेशर पोटेंशियल इसको टर्गर प्रेशर भी कहते हैं इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल का मतलब क्या है वाटर की ताकत कैसे बढ़ सकती है वाटर के फ्री मोलिक्यूल से उसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भी है कैसे होता है देखिए पहले बात तो ये एक तरीके का वाटर का प्रेशर है इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक का मतलब भी यही होता है अब हम बात करते हैं कि वाटर प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है कैसे होता है जब कभी भी वाटर की एंट्री होती है सेल में तो वाटर की एंट्री के टाइम अगर प्रोटोप्लाज्म इस डायरेक्शन में बाहर की साइड एक्सपांड होता है तो उस समय ये पॉजिटिव होता है जब कभी भी वाटर को फोर्सफुली खींचा जाता है तो फोर्सफुली खींचने से वाटर की वजह से जो वॉल होती है उस पर अंदर की साइड में प्रेशर लगता है दैट इज नॉन एज नेगेटिव प्रेशर जब वाटर की एंट्री या तो हो नहीं रही है या जितनी अंदर हो रही है उतनी बाहर हो रही है उस केस में प्रोटोप्लाज्म अपनी जगह पे रहता है तो जीरो प्रेशर आता है इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमारा प्रेशर पोटेंशियल है इट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ये कैसा भी हो सकता है तीनों में से बात करते हैं कुछ लिख लेते हैं लिखिए प्रेशर पोटेंशियल represents pressure potential represents the the effect of hydrostatic pressure on free energy of water free energy of water next point a positive hydrostatic pressure a positive hydrostatic pressure raise the water potential raise the water potential while the negative hydrostatic pressure negative hydrostatic pressure decreases it decreases it नेक्स्ट लिखिए प्रेशर पोटेंशियल कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो प्रेशर पोटेंशियल कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ये तीनों टाइप का हो सकता है नेक्स्ट अब पॉजिटिव कब होगा देखो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये प्रेशर पॉजिटिव कब होगा बात करते हैं अपन पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तब होता है जब वाटर लिविंग सेल के अंदर मूव करता है लिविंग सेल बोल दीजिए या इसको बोल दीजिए सिंप्लास्ट जब वाटर लिविंग सेल या सिंप्लास्ट में एंटर करता है तो ये प्रेशर पॉजिटिव होता है कैसे होता है बताऊं आपको मान लीजिए कि एक सेल है बॉडी के अंदर ठीक है इस सेल के बाहर ये सेल वॉल है इसकी सेल वॉल जब वाटर इस डायरेक्शन से अंदर आएगा क्योंकि पानी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना जब वाटर इस डायरेक्शन से अंदर आएगा तो अंदर आकर ये वाटर चारों तरफ फैल जाता है और इसके फैलने के कारण ये जो सेल की मेम्ब्रेन है दैट मींस प्रोटोप्लाज्म है वो इस तरीके से बाहर की तरफ फूल जाता है एक्सपांड हो जाता है एक सिंपल सी बात है गुब्बारा है गुब्बारे के अंदर पहले थोड़ा पानी है आप उसके अंदर और ज्यादा पानी डालोगे गुब्बारा एक्सपांड होगा तो ये जो बाहर की डायरेक्शन में बाहर की डायरेक्शन में प्रोटोप्लाज्म एक्सपांड हो रहा है बस इसी के कारण ये प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव में आता है ये मशीन में कैलकुलेट करके देखेंगे पॉजिटिव में आएगा तो समझ में आया आपको पॉजिटिव प्रेशर कैसे होता है जब कभी भी वाटर लिविंग सेल्स लिविंग सिस्टम सिम प्लास्ट के अंदर मूव करता है उसके मूव करने से प्रोटोप्लाज्म बाहर एक्सपांड होता है एंड दैट कोजेज द प्रेशर पोटेंशियल टू बी पॉजिटिव लिखिए खिएन वॉटर मूवस इन लिविंग सेल्स वेन वॉटर मूवस इन लिविंग सेल्स और सिंप्लास्ट द प्रेशर पोटेंशियल कम्स टू बी पॉजिटिव द प्रेशर पोटेंशियल कम्स टू बी पॉजिटिव पॉजिटिव आता है फॉर एग्जाम्पल टर्गर प्रेशर टर्गर प्रेशर तो टर्गर प्रेशर इज ए पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बात हो चुकी है अपनी नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे आता है नेगेटिव हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर कैसे आएगा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिंपल है जब भी प्रेशर को खींचा जाएगा आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाली जो स्ट्रॉ होती है उस स्ट्रॉ से हम जब कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं फोर्सफुली कभी करके देखिए वो अंदर की साइड में कोलैप्स हो जाती है पिचक जाती है एंड दैट प्रेशर इज नेगेटिव प्रेशर नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कब आता है कि जब डेड सेल्स के अंदर या एपोप्लास्ट के अंदर वाटर को खींचा जाता है डेड सेल्स लेट से जाइलम की ट्रेकिड एंड वेजल्स और एपोप्लास्ट एपोप्लास्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है और ये सेल किसकी है ट्रेकिड सेल है या वेजल सेल है जाइलम की ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है ट्रांसपीरेशन पुल ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से वाटर खींचा जाएगा तेजी से जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से बहुत तेजी से सक करते हैं वाटर जब ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो ये जो वॉल है जाइलम ट्रैकिड या वेजल की ये अंदर की साइड में थोड़ा प्रेशर फील करती है हावेवर इट इज लिग्निफाइड ये लिग्निफाइड होती है तो कुछ फर्क पड़ता नहीं इसको खास पर प्रेशर तो फील करेगी करेगी ना इसलिए इस प्रेशर को हम नेगेटिव प्रेशर लेते हैं ये आता ही नेगेटिव है मतलब तो ये जाइलम एलिमेंट है और ये जाइलम एलिमेंट के अंदर प्रेशर आया नेगेटिव हमारा एक और चीज बताता हूं आपको जैसे लेट सपोज कि ये कोई सेल है ये सेल की क्या है प्लाज्मा और ये सेल की क्या है वॉल ये सेल वॉल और ये बीच का जो गैप है एपोप्लास्ट जब कभी भी पानी को ऐसे एपोप्लास्ट में खींचा जाता है देन अगेन ये वॉल अंदर की तरफ प्रेशर फील करती है दैट प्रेशर इज आल्सो नेगेटिव प्रेशर तो जब कभी भी डेड सेल या एपोप्लास्ट में वाटर की मूवमेंट होती है At that time, pressure comes to be negative. When water is pulled, when water is pulled in dead cells or dead spaces like xylem, apoplast, etc., it is called as tension. It is called as tension. टेंशन इज रेस्पिबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन होती हैं, वो लाइफ में हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कराने में हेल्प करती है हमें बड़े अचीवमेंट्स के लिए मोटिवेट करती है टेंशन से लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होती है वाटर की भी हमारी भी बट वो टेंशन भी अच्छी वाली टेंशन होनी चाहिए है ना तो जाइलम के अंदर पानी को जब खींचा जाता है दैट इज नोन एज टेंशन दिस टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वॉटर नेक्स्ट लिखिए इन जाइलम वेन वॉटर इज पुल्ड द वॉल ऑफ जाइलम फील ए प्रेशर टुअर्ड्स इनसाइड एंड दिस प्रेशर इज नॉन एज नेगेटिव प्रेशर तो ये नेगेटिव प्रेशर हो गया नेक्स्ट एक छोटी सी चीज है हम कहते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर इसका मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हवा है चारों तरफ ये हम पे कितना प्रेशर डाल रही है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब देखो नो no डाउट हवा के जो मॉलिक्यूल्स है एयर मॉलिक्यूल्स, वो हमारे ऊपर प्रेशर तो डालते हैं कभी आपको ऐसे फील हुआ है बैठे बैठे कि आप पे तो बहुत सारा वजन है आप कभी चल रहे हो और आपको लगे कि आपने तो पूरी एटमोस्फियर को अपने कंधों पे उठा रखा है आपके शरीर पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है ऐसा कभी फील हुआ आपको नहीं ना हालांकि एक प्रेशर लगता तो है पर ये फील नहीं होता इसलिए एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम जब कैलकुलेशंस करते हैं वाटर पोटेंशियल वाली जीरो मान लेते हैं जीरो नहीं है ये बट फॉर कन्वेंशन कुछ तो मानना पड़ेगा ना जैसे किसी ने सबसे पहली बार एक के जी वजन को भी ऐसे ही माना होगा कि उठा के एक पत्थर को बोला कि ये पत्थर आज से एक किलो का है तो जितना भी वजन इसके इक्वल होगा उसको एक किलो माना जाएगा वैसे ही जो एटमोस्फियर का प्रेशर है वो होता है कुछ बट हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे इसके लिए हम इसको जीरो मान लेते हैं तो इट इज टेकन एज जीरो लिखिए एक लाइन एट एटमोस्फेयरिक प्रेशर एट एटमोस्फेयरिक प्रेशर वॉटर इन इट्स रेफरेंस स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट और एट स्टैंडर्ड स्टेट does not feel any pressure so the pressure potential of water is taken zero abhi aur samjha deta hu aapko main taken as zero theek hai तो ये हो गई हमारे पास water potential की बात अब हमारे पास में water potential का जो final formula है वो ये है ये बचा आपको तीन केस लेकर के समझाता हूं केस वन केस वन हमारा क्या कहता है केस वन हमारा कहता है कि प्योर वाटर है जो कि सेल में तो होने से रहा प्योर वाटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर चलो ये हमारा केस वन है एक छोटा सा बीकर लेते हैं ये एक छोटा सा बीकर इस बीकर के अंदर हमने डाला प्योर वाटर तो ये प्योर वाटर है वाटर। अभी हमारा फॉर्मूला देखो क्या है हमारा फॉर्मूला है साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई पी प्लस साई एस एक तो क्योंकि ये हमने लिया है प्योर वाटर, तो भाई प्योर वाटर के अंदर सबसे पहला काम तो ये करो साई एस को करो जीरो सोल्यूट ही नहीं है तो सोल्यूट का पोटेंशियल भी नहीं है जीरो आ गया दूसरा मैंने अभी आपको क्या बोला कि जैसे हमें हमारी बॉडी पर एयर का प्रेशर फील नहीं हो रहा है वैसे ही जो ये प्योर वॉटर का बीकर पड़ा हुआ है इस बीकर के ऊपर जो हवा प्रेशर लगा रही है उसको हम जीरो मान लेते हैं तो ये भी हो गया जीरो और इस कारण साई डब्ल्यू क्या हो गया प्योर वॉटर का जीरो ये चीज आपको समझनी है सो प्योर वाटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेटर टेम्परेचर हैज ए वॉटर पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो पहला केस अब दूसरा केस हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन ले लेते हैं केस टू केस टू केस टू के अंदर हम क्या करेंगे एक सॉल्यूशन लेंगे सॉल्यूशन वही एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर ठीक है तो अभी क्या हो रहा है हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं इस बार ये वाटर है बट वाटर के साथ साथ इस बार कुछ सॉल्यूट्स भी हैं, ये सॉल्यूट्स हैं हमारा फॉर्मूला सिंपल है साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई पी प्लस साई एस अब इस बार सॉल्यूट को आप जीरो नहीं लोगे यहां पर सॉल्यूट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है और उस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री वाले हैं वो कम हो जाएंगे सो so, ये नेगेटिव में आएगा एस इज डेफिनेटली सॉरी पी इज डेफिनेटली जीरो क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो वो तो हम जीरो ले रहे हैं तो यहां हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या बना साई डब्ल्यू इक्वल्स टू या तो साई si एस लिख दो या आप लिख दो साई एस साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई नेगेटिव जो आपको एक चीज लिखनी है वो आप लिख सकते हैं ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया साई si डब्ल्यू का कब हो गया जब सॉल्यूशन लिया हमने अब आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं अलग केस की अलग केस क्या है इसको यहां लिख देता हूं केस थ्री क्या है कि देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर था ना उसके प्रेशर को तो जीरो मान लिया मतलब वो तो कोई इतना खास फर्क डालता नहीं है पर यदि एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड तो क्या होगा कैसे समझाऊं आपको मैं आपके पास में एक मान लीजिए है इंजेक्शन है इंजेक्शन का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इजी रहेगा ये अपने लिए ये इस तरीके का कुछ तो इंजेक्शन होता है आपको पता है और ये इंजेक्शन में ये आगे का पार्ट ठीक है अब एक काम करना आपको पहला काम तो यह करना है कि जो आगे का पार्ट है इसको उड़ा देना है काट दो ब्लेड से ऐसे काट दिया काट दिया अब अब आपको इस इंजेक्शन के माउथ पर यहां पर एक सेमी परमीएबल मेंब्रेन बांधनी है यह आपने क्या लगा दी ये लगाई आपने सेमी परमीएबल मेंब्रेन क्लियर अब अब आपको इस इंजेक्शन के अंदर भरना है प्योर वाटर प्योर वाटर भरना है ठीक है ये आपने भर दिया प्योर वाटर और जो मैं अब बोलने जा रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना है आपको तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं इंजेक्शन लिया उसमें प्योर वाटर डाला उसके माउथ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई एंड देन आपने बाहर इंजेक्शन के एक सॉल्यूशन डाल दिया बाहर सॉल्यूशन डाल दिया ये है सॉल्यूशन आपको तो पता ये सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी होगा एंड सॉल्यूट भी होगा और ये है प्योर वाटर प्योर वाटर वॉटर अब यदि आप इस इंजेक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हो तो भी आपको पता है वॉटर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो वॉटर तो अपने आप बाहर आएगा इस केस में आपने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया आपने एक सिस्टम सेट किया उसको छोड़ दिया क्लियर पर अब एक काम करते हैं यदि हम ऊपर से इंजेक्शन के ऊपर ऐसे प्रेशर लगाते हैं अंगूठे से प्रेशर लगाते हैं यदि हम इस पिस्टन को दबाते हैं तो पिस्टन को दबाने के कारण यह पिस्टन तो यहां पहुंच जाएगा और जब आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो सोचो कि वो वाटर जो पहले तो एक एक्स स्पीड से जा रहा था प्रेशर लगाने से कितनी तेजी से गया वो उस वाटर में उतना तेज भागने की पोटेंशियल तो नहीं थी पर धक्का लगा तो वो तेजी से भागा ना यानी जब कभी भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है एक बहुत सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं मान लीजिए कि एक लेट्स सपोज एक बाइक है और एक बाइक जो है वो ट्वेंटी की स्पीड से चल रही है एकदम ट्वेंटी की स्पीड से अभी किसी ने पीछे से दूसरी बाइक लगाई और अपने पैर से पहली वाली बाइक को धक्का मार रहा है और दूसरे वाले की स्पीड साठ की स्पीड है सिक्सटी की तो पहली वाली बाइक जो अपनी नॉर्मल ट्वेंटी की स्पीड से चल रही थी उसको एक्स्ट्रा फोर्स मिला तो उसकी स्पीड बढ़ी ना उसकी पोटेंशियल बढ़ी ना सेम तो यहां पे है अगर वाटर को आप ऐसे ही छोड़ दोगे एटमोस्फेरिक प्रेशर पे तो उसकी स्पीड अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होगी But उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से उस वाटर की स्पीड और बढ़ जाएगी ना तो जो साई दिस केस साई साई एक तो पहले साई एस को जीरो कर दो सॉल्यूट वो जीरो है क्या बोलते इसको? आ, ये। की जीरो एंड देन तो उसके बाद में ये जो साई पी है ये तो पहले से ही पॉजिटिव है मतलब सॉरी ये तो पहले से जीरो है क्योंकि ये एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है तो जीरो है बट अंडर एक्सटर्नल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जब लगाते हैं तो ये आता है आपका पॉजिटिव में इन दैट केस वाटर पोटेंशियल क्या हो गया या तो साई पी बोल दो या बोल दो पॉजिटिव यह हुआ अपना वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है चलो अब आपको मैं बताता हूं एक दो बातें और एक टर्म आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाना विल्टिंग मतलब मुरझा जाना परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मुरझा जाना कैसे देखो मान लीजिए कि एक पॉट है हमारे पास में और उस पॉट में प्लांट लगा हुआ है इस प्लांट को हमने एक दिन अच्छे से पानी दिया और छोड़ दिया ठीक है तो इस प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करेगा इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक अब धीरे धीरे हमने इसमें पानी नहीं डाला अभी ठीक है धीरे धीरे हमने इसमें पानी डालना बंद कर दिया तो जो पॉट है उसकी मिट्टी सूखने लगेगी ड्राई होने लगेगी वाटर कम हो गया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन ऐसे करके पानी नहीं डाला पड़े हम किसी दूसरे शहर में चले गए आप मान लीजिए एक वीक के बाद आते हो एक वीक के बाद आके देखा कि आपका प्लांट काफी मुरझा गया है आपने पानी डाला वो वापस से नॉर्मल हो गया इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी उसमें इतना पोटेंशियल था कि वो रिकवर कर सकता है आप मान लीजिए सात दिन की जगह दस दिन बाद आते आपको लगा आपको दिखा कि ये प्लांट आपका मुरझा गया है दस दिन बाद आप आए हो और आपने पानी डाला बट उसने रिकवर नहीं किया इसका मतलब अब उसमें उतना पोटेंशियल नहीं बचा कि वो रिकवर कर सके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट सॉइल मॉइस्चर का वो वाला पॉइंट है जहां तक वाटर रिकवर कर सकता है इससे कम हुआ तो रिकवर नहीं करेगा सोइल मॉइस्चर का मतलब सॉइल का वाटर पोटेंशियल माइनस फिफ्टीन बार तक तो प्लांट है वो सहन कर लेता है इससे कम हो 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 गया, 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 तो फिर प्लांट रिकवर नहीं होगा इसे कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट माइनस फिफ्टीन बार को लिखिए आप इट इज द मिनिमल पॉइंट ऑफ इट इज द minimal it is the minimal point of water potential sorry it is the minimal point of soil moisture minimal point of soil moisture up to which a plant does not wilt up to which a plant does not wilt that means the plant has the capacity to recover that means प्लांट हैज दैपेसिटी टू रिकवर लिखिए इट इज माइनस फिफ्टीन बार इट इज माइनस फिफ्टीन बार यह माइनस फिफ्टीन बार होता है नेक्स्ट पॉइंट चलो नेक्स्ट तो मैं आपको कुछ आ, अपने एग्जाम में आए हुए पुराने स्टेटमेंट है मैं उनके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेता हूं एक जो प्लांट सेल होती है लिविंग प्लांट सेल की बात हो रही है उसमें वाटर पोटेंशियल चार चीजों पे डिपेंड करता है ये चार चीजों पे राइट right? पर हमने इन दोनों को तो जीरो माना था तो प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है लिखी एक लाइन सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू वॉटर पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल इन गिवन स्टेट ऑफ ए प्लांट सेल इन गिवन स्टेट दूसरा लिखिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस सोल्यूट पोटेंशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ग्रेविटी कंट्रोल द वॉटर पोटेंशियल कंट्रोल द वॉटर पोटेंशियल नेक्स्ट एक मैं चीज बताता हूं आपको एक नॉर्मल सॉइल है और एक सेलाइन सॉइल है एक ऐसी सॉइल जो नॉर्मल है और एक ऐसी सॉइल जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है दोनों के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑस्मोटिक पोटेंशियल है साइएस है उनमें क्या अंतर है जो नॉर्मल सॉइल होती है ना उस सॉइल के अंदर जो पानी होगा उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल नेगलिजिबल होता है बट इसमें नेगलिजिबल नहीं होता इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है लिखो एक लाइन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखना साई एस ऑफ द सॉइल वाटर ऑफ द सॉइल वाटर इज जनरली नेग्लीजिबल एक्सेप्ट इन सेलाइन सॉइल एक्सेप्ट इन सेलाइन सॉइल तो ये हुआ हमारे पास में वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड आज में हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी थैंक यू